सुनने वाला गाना, इसको गाना नहीं बोलना चाहिए, ये तो एक नात है, एक जिसे बोलते हैं इबादत के लिए गाई जाने वाली चीज़ है, जो सुनने में भी बहुत रूह को सुकून देती है, बहुत अच्छी लगी। एक्टर भी अच्छे हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, इन्होंने शूट भी अच्छा किया और बोलते भी अच्छे हैं। मैंने अभी सुना कि यही बोल रहा था अभी उधर में, और इन्होंने बहुत स्टोरी जो है अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। सर ये मेरे लिए सौभाग्य है कि रूमी सर आए हैं, और मतलब ये समझ लीजिए कि समंदर हैं और हम बूंद हैं, तो बस यही है, और इनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और ये आज हमारे साथ बैठे हैं, तो ये प्रभु की कृपा हो गई है बस। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्या है जैसे जब मैं आया जी, ये भोपाल से हैं, मैं भोपाल से आया, तो हमने जावेद साहब भोपाल से गए जी, तो हम जावेद साहब को ऐसे देखते थे, और फिर अब हम आए तो ये बैठे हैं, इंशाल्लाह ये भी एक दिन ऐसे बैठे होंगे और इनसे जूनियर इनके बारे में बोल रहे हैं। जी मेरा प्रोडक्शन है, लेकिन बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ अकेले मेरे नाम से हो नहीं सकता और मैं अकेले कुछ कर भी नहीं सकती। हमारे प्रोड्यूसर हैं ये रजनीश जी हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो बस हम साथ में हैं तो ये प्रोडक्शन है। ओमशील प्रोडक्शन वन कुछ बताइए क्या कुछ। ओमशील प्रोडक्शन की हमेशा ये कोशिश रहेगी और रही है कि किसी अच्छी कहानी, सच्ची कहानी, कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसका कोई मैसेज हो, कहीं ना कहीं मीनिंगफुल फिल्में बनाना या जो भी आर्ट से रिलेटेड जो भी काम करना वो वही हो, सिर्फ बनाने के लिए या सिर्फ कहते ना कमर्शियल नाम लगा दिया कि कमर्शियल होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं, हम आर्ट के लिए ही काम करेंगे हमेशा, और ऐसी ही हमने फिल्म बनाई है और आगे भी ऐसा ही करेंगे। मैं डायरेक्टर साहब से जानना चाहूँगा, बहुत सुंदर गाना है, बहुत लाजवाब गाना है जी, रूहानी गाना है जी, उतना ही सार्थक वीडियो है जो स्टोरी है, एक हिंदू महिला आती है और वो कुछ मन्नतें मानती है, फिर लास्ट में आपने दिखाया उनको बच्चा होता है जी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में। सर है ना, जब इन्होंने बताया कि ये ऐसा करना है, तो कभी कभी क्या होता है रूहानी ताकतें आपकी मदद करती हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, तो उस जर्नी में इनोवा में जाते जाते ये स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में आ गया था, और मैंने खुर्रम भाई को सुनाया, खुर्रम भाई ने अप्रूवल कर दिया, बोले कमाल है, मैंने कहा मैंने नहीं किया है। कभी कभी क्या होता है कि शायद रूमी भाई इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जो लिखावट होती है वो कुदरतन आती है, आपको आप जानबूझकर लिख नहीं सकते कि मुझे लिखना है आज, वो कुछ कुछ होता है, कृपा होती है ऊपर वाले की, तो वो हो जाता है, और वो वैसे ही हुआ, और एक समावेश हो गया, सब ने सहमत हो गए और गाना बन पड़ा। एक बार हमारे दर्शकों को सब बता दीजिए कि ये जो दरगाह है जी कहाँ है, और इसके आसपास की आबादी कौन सी है? नवसारी है ये गुजरात में, सूरत के पास में है, पूर्णा नदी के किनारे है, और NRI ज़्यादा है वहाँ पर, और हिंदू मुसलमान सब मिक्स हैं, पारसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, और मैंने वहाँ पर पारसी लोगों को, हिंदू लोगों को, मुसलमान लोगों को, और सारे कोहली समाज है, वो जो नीचे तबके के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर आते हैं, और मैंने ऐसी श्रद्धा किसी भी दरगाह में नहीं देखी इंडिया की। रजनीश जी आप बड़े गुणी हैं, आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और जी कंपोजर भी हैं, आप जी आपके नाम के साथ जो रजनीश नाम जुड़ा हुआ है इसके बारे में। रजनीश मुझ जहाँ तक मुझे पता है, एक तो ओशो हैं, दूसरा रजनीश का मतलब है रातों का राजा, जहाँ तक मुझे पता है, तो बस प्रभु की कृपा हुई है, और जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ वो हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और उस मिट्टी की खुशबू है जहाँ से रूमी भाई बिलोंग करते हैं, तो हमको थोड़े इनको पूरा समंदर मिला, हमको चार पांच बूंदें मिल गई हैं, तो बस उस पे काम चला रहे हैं। इसके बाद भी आप ऐसे रूहानी गीत लिखा करेंगे आगे? जी बिल्कुल आने वाली फिल्म है प्यारी तरावली द ट्रू स्टोरी, उसमें मैंने लिखा भी है, कंपोज भी किया है, तो बस आपको वो जब सुनेंगे तो आपको और मज़ा आएगा, और फिर आप बताइएगा जब सुनेंगे तब कि मैंने ऐसा लिखा, मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। डॉली शूटिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस बताया, शूटिंग के दौरान क्या
शूटिंग के दौरान, शूटिंग क्योंकि रियल लोकेशन पे थी और आधे से ज़्यादा जो रिचुअल्स थे वो रियल हो ही रहे थे, और इसमें जो मेन दरगाह के जब भी शॉट आते हैं उसमें मोंटी सैयद जी खुद हैं, वो और रजनीश जी तो पहले से ही बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, तो जब भी धार्मिक चीज़ों की बात आती है तो वो ज़्यादा चले जाते हैं। हम भी धार्मिक हैं पर इतना ऊपर निकाल के नहीं लाते। सो बहुत मज़ा आया, बहुत नई चीज़ें, हिस्ट्री जानने को मिली, कल्चर समझने को मिला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे मालूम ही नहीं थी, नए शब्द, इस्लाम के बारे में मैं बहुत कुछ जान गई जो पहले कभी नहीं जानती थी, तो मेरे लिए तो ये एक क्लास थी। सर मैं नहीं, कुछ नहीं मांगती, ऊपर वाला खुद ही दे देते हैं। नहीं, एक चीज़ मैं बताऊं जो उन्होंने बोला, सूफीज़म हिंदुस्तान में इतना पॉपुलर क्यों हुआ? जब सूफी संत यहाँ पे आए, पहले चाहे वो नौसारी में आए, चाहे अजमेर शरीफ में, चाहे निज़ामुद्दीन औलिया हों, जितने भी हैं हिंदुस्तान के हर शहर में एक दरगाह आपको मिलेगी, हाजी अली हो, माही हो, क्योंकि सूफीज़म का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो है मोहब्बत का, कि खुदा से, ईश्वर से, ऊपर वाले से प्यार करो, और इसीलिए उनके दरबार में सिर्फ प्यार ही बढ़ता है। उनके आने वाला छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंची जात नीची जात, किस धर्म का, उसका परवाह कभी नहीं रही। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में सूफीज़म इतना मकबूल है, और आज और ज़्यादा उस पर करने की ज़रूरत है काम, जो ये कर रहे हैं कि उससे मोहब्बत ही फैलती है। थैंक यू। रूमी सर बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में हैं, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से ये यहाँ आए हैं, उतनी देर में मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया है, ये सबसे ज़्यादा उन फिल्मों से भी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातें, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और मैं भी सर के बारे में बोला, इतना कंफर्टेबल कर दिया है मुझे। मैं पहले बहुत घबरा रहा था कि मैं बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि देखिए जो बहुत काम किया है, और जब किसी सीनियर के सामने आप जाते हो तो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मगर मुझे जब ये एंट्री किया जो हमारे पास बैठे, तो ऐसा लगा जैसे हमारे अपने परिवार के कोई बैठे हुए हैं, और बहुत सहज कर दिया। थैंक यू सो मच। मेरे जो भाई है, दोस्त है, मुंतज़िर अली, जिसका मोंटी सैयद नाम है, वो उनको ये गाना, ये जैसा जाफ़ी साहब बोले, ये नात उनको, उनके पास आई, और वो बोले कि अपने को कुछ बनाना है, तो डॉली से मेरी बात हुई थी कि मैं आ रहा हूँ फरवरी में, मैं आपको सुनाऊंगा कुछ, और मौका मिला सुनाने का, और बस एक ऊपर वाले की वो है, समझिए कि ये बहुत अच्छी चीज़ बन गई, और ज़्यादा रजनीश को जाता है काम कि उनकी सोच और उनकी जो लगन थी कि हम इसको कंप्लीट करेंगे, ये दोनों की उसमें हम लोग कंप्लीट करें। खाली मेरे को एक बहुत बात बोलने का है कि इमाम हिंद पीर नूर सदगुरु सैयद सादात, वो उनका मैसेज डिलीवर हुआ था 12-35 ईयर्स बैक, कल 27 तारीख को उनका उरूस है, उनका उरूस है कल, उरूस मुबारक है कल 27 तारीख को, और हमको जैसा रजनीश भी बोले हैं, अभी तक बहुत पूरे सारे बोले हैं कि एक ऐसी जगह है वो कि हमको कुछ हो जाता है वहाँ जाके, तो हम लोग कोशिश करें थोड़ी बहुत, ये दोनों का बहुत बड़ा हाथ है इसमें इम्प्लीमेंट करने में। रजनीश जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, काफ़ी अर्से से हम लोग की दोस्ती है, तो जहाँ रजनीश जी होते हैं वहाँ हम आ जाते हैं, बस इतना ही है। मैं तो विल विशर हूँ लोगों का, और मैं तो दुआ कर रहा हूँ। लाइक अहमद जी है, और ये बहुत अच्छे दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, और बस मदद करने वाले, हर जगह सपोर्ट करने वाले, ये भी हमारे प्रोड्यूसर हैं। इस इमाम हिंद के तो सिर्फ खुर्रम सैयद ही हैं, मगर हमारी दूसरी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जो प्यारी तरावरी द ट्रू स्टोरी आ रही है, के प्रोड्यूसर। और आपका जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें और क्या प्लानिंग है नेक्स्ट? इंशाल्लाह अभी बहुत सारी करने की ख्वाहिश है, अभी हम लोग इंटरनेशनली कुछ करने वाले हैं आइंदा, जल्द से जल्द, तो वो आप लोगों को सबको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
जो गीत हैं, इस तरह की जो शायरी और इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, यही हमारी ताकत है। हम पूरी दुनिया में अपनी एकता के लिए जाने जाते हैं। हिंदुस्तान से दुनिया शुरू होती है। दुनिया में जब सबसे पहला इंसान आया है तो वो हिंदुस्तान में आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं, श्रीलंका उस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो हमें इस बात पर प्राउड है कि दुनिया की बुनियाद में हम हैं। और जहाँ तक बात करते हैं फिल्मों की, फिल्में हमारी हमारे समाज का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा आईना है। जो समाज में होता है वो फिल्में हमें दिखाती हैं। फिल्में देखने का, फिल्में बनाने के और फिल्में चलाने के अलग अलग ख्याल हो सकते हैं, लेकिन फिल्में देखिए, आज विलन कितना भी पावरफुल हो, एक हीरो आता है और वो हीरो आके उसको मिटा देता है। इसी तरह ज़िंदगी के हिस्से में, चाहे प्रॉफिट हो, राम हो, या हमारे जितने भी देवता, औलिया, जितने भी लोग हैं, ये हीरो बन के आए हैं और इन्होंने बुराई को मिटाया है। आजकल मीडिया बड़े निशाने पर है, खासकर हिंदुस्तान की मीडिया, लेकिन मीडिया इतनी पावरफुल चीज़ है कि मीडिया अगर चाहे तो जो चाहे करा सकती है। तो हम मुश्किल क्या है कि मैंने एक शेर पढ़ा था कलम के हवाले से, हम अपनी ताकत को कभी कभी नहीं जानते, और अपनी ताकत का अगर लोहा मनवा लें, थोड़ा सा सब्र है। और ये कैमरे, ये कलम, ये हमारे समाज का इतना बड़ा आईना है कि इसमें हम अपना मुस्तकबिल देख सकते हैं, अपनी नस्लों का मुस्तकबिल देख सकते हैं। तो मैं तमाम मीडिया वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऊपर वाले ने आपको इस काम के लिए चुना है कि आप समाज को सच दिखाते हैं। लोगों, जो लोग दुनिया को, उसकी दुनिया को, हमारी दुनिया को ख़राब करना चाहते हैं, वो जब सारी चीज़ें नाकाम हो जाती हैं तो सबको बेनकाब करने का काम आप लोग करते हैं। सलाम आपको, आपकी अजमतों को, और मैं चाहूँगा कि आपको ऊपर वाला इतना हौसला दे कि आप इसी तरह अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हैं। वो काम जो लोग घरों में आराम से सोते हैं, आप समाज को उन चीज़ों पर लाके दिखाते हैं, ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाते हैं। तो बाकी शायरी में होगी सारी बातें। मेरा एक शेर है कि कहानी पर कहानी लिख रहा है, वो खुद ही अपना सानी लिख रहा है, कहीं मिट्टी पे मिट्टी लिख रहा है, कहीं पानी पे पानी लिख रहा है। तो हम आप लोग जो है ना, कहीं मिट्टी पे मिट्टी लिखते हैं, कहीं पानी पे पानी लिखते हैं, लेकिन इस बात को या तो हम जानते हैं या हमारा ज़मीर जानता है, लोग नहीं जानते। तो हम बहुत मखसूस हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।